बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ इस बार न्यूयर्स पे कंट्री क्लब के लिए बैंगलोर में. बैंगलोर शहर से वैसे ही मेरी बहुत यादें हैं. बहुत अच्छा शहर है और इंडिया में परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है. कंट्री क्लब की परफॉर्मेंसेज हमेशा फेमस होती है धूम धड़ाके के साथ. तो बस यही रहेगा काम इस बार. तो आपने कहा कि आप पहली बार परफॉर्म कर रही हैं, तो 31st पर इससे पहले क्या करती थी आप आमतौर पर? छुट्टी फैमिली के साथ, हॉलीडेज, ज़्यादातर तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. बट इस बार फर्स्ट को मैं जा रही हूँ घर वापस दिल्ली. तो नहीं, लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे काम कर रही थी, उससे पहले अपनी बर्थडे पे काम कर रही थी. इस बार अपने बर्थडे पे मैंने काम किया है. तो सेलिब्रेशन तो होते रहते हैं, बट ठीक है. आई थिंक हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही होता है कि हमें देखने लोग आ रहे हैं. आई मीन उससे ज़्यादा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है. किस तरह के गाने होंगे, क्या चूज कर रही हैं? अभी तक खैर हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट आई थिंक जो भी 2014 के धूम धड़ाके वाले हिट सॉन्ग्स रहे हैं एंड ऑफकोर्स मेरे सॉन्ग्स मिला के हमारी रिहर्सल स्टार्ट हो गई है. बट मैं अभी गाने नहीं बता सकती. मगर हाँ, जैसे मैंने बोला, सब 2014 के हमने हिट्स सेलेक्ट किए हैं. क्योंकि दो एक्ट से तो लकी हूँ कि कोरियोग्राफर भी हमारे बहुत अच्छे रहे हैं एंड अच्छा लंबा परफॉर्मेंस है. एक एक मिनट, चौदह एक एक एक्ट 14 मिनट्स का है, तो काफ़ी कुछ करने को मिलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आज की, बहुत बड़ा दिन है आज के लिए. भाई मैंने मारा, नहीं एक्स प्राइम मिनिस्टर बिहारी जी भारत रत्न मिला है. बहुत अच्छी बात हुई है. एंड अटल जी, मेरे अटल जी को मतलब मेरी फैमिली के उनके साथ रिलेशन्स हैं. बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना और अटल जी जब लॉ पढ़े थे तो फ्लैट रूममेट्स थे. तो मेरी मदर और मेरी मासी वगैरह जो हैं वो सब उन्हें मामा जी बुलाते हैं. तो हम लोगों के लिए खासकर आई मीन एक सेलिब्रेशन. ऑफकोर्स मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ आई थिंक लाइफ में, बट सेलिब्रेशन के लिए एक है. एंड आई थिंक अटल जी की जब उनका टाइम चल भी रहा था, आई थिंक इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम. And he really did well for the country. तो बहुत ही खुशी है. Congratulations to अटल जी. नहीं ऐसे टाइम नहीं बताया, मतलब जैसे मैंने कहा कि वो दोस्त हैं, मेरी नाना जी के दोस्त थे. तो मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ. बट ऑफकोर्स जब मैं उन्हें मिली तब वो प्राइम मिनिस्टर थे. तो आई थिंक आप इतनी छोटी थी मैं कि उससे बड़ा हाई नहीं हो सकता कि आप, और आपको समझ भी नहीं आता कि आप क्या, मतलब आपको बस इतना पता है कि आप देश के सबसे पावरफुल इंसान से मिल रहे हैं उस टाइम पे. ये न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन, या मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं रखती. हर कोई रेजोल्यूशन मैं हर साल से रखती थी. बचपन से ये होता था नेक्स्ट ईयर बेटर पढ़ूंगी, कभी बेटर नहीं पढ़ी, और अच्छा खेलूंगी, उससे अच्छा क्या खेलती. यू नो, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. जब से बड़े हुए एक्टर बने, कम खाएंगे, पतले रहेंगे, वो कभी हो ही नहीं सकता. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है. अब ज़्यादा खाते और ज़्यादा वर्कआउट करता है. तो आई थिंक बस यही कि आई मीन यही चाहूँगी कि बस खुश रहूँ. जैसे हर साल मैं यही चाहती हूँ. और थैंक यू आई थिंक भगवान को कि जो भी मिला इस बार. ऑफकोर्स डिफरेंस होता है जब आप फिल्म में शूट कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स घंटे हमारे बहुत जाते हैं. आप शूट कर रहे होते हैं 14 से 16 घंटे एंड आपको रीटेक्स मिलते हैं. परफॉर्मेंस में आपको रीटेक्स नहीं मिलते. तो परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अरे आप ये मिस ना हो जाए. Hi, this is Isha Gupta and wishing all the viewers a very happy new year. नए साल की आप सबको मुबारक. Thank you.